मालदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह सीडीओ नेहा जैन आज टूंडला तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही एसडीएम राजेश कुमार वर्मा, तहसीलदार डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने चुनाव संबंधी जानकारी दी। इसके बाद डीएम मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश जारी किए। टूंडला से गुलाब सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ उपचुनाव को लेकर की गई है, कितना फोर्स लगाया गया है? देखिए, विधानसभा उपचुनाव हमारे टूंडला विधानसभा का होगा, तो इसका नामांकन की प्रक्रिया कल तहसील टूंडला में बनाया गया है। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग की और सीसीटीवी कैमरा सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जा चुकी है और कल से नामांकन स्टार्ट होना है। 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन स्टार्ट होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके उसमें जो गाइडलाइंस है आयोग की उनके बारे में उनको अवगत करा दिया है। और यहाँ पर मंडी परिसर में मतदान की समाप्ति के बाद पोलिंग पार्टी का जो रिसेप्शन है, ईवीएम का स्ट्रांग रूम और काउंटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोनों चीज़ों को देख लिया गया है, व्यवस्थाओं के बारे में जो जो कार्रवाई आगे होगी उसका निर्देश दे दिया। कोरोना को लेकर क्या कुछ खास गाइडलाइन की गई है चुनाव? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत सारी गाइडलाइंस कोरोना को लेकर दी है और इन सभी के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे जितने भी मशीनरी लगी है सबको बता दिया है कि उसका किस किस तरह से अनुपालन कराना है। पोलिंग बूथ पर भी व्यवस्थाएं रहेंगी, जिसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी और जो भी लोग आएंगे वोटिंग वोट करने वो सभी मास्क लगा के आएंगे। अगर कुछ परसेंट लोग नहीं भी आते हैं तो उनको हम मास्क प्रोवाइड कराएंगे। हमारा जितना भी पोलिंग स्टाफ है उनको भी मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और इस तरह की सारी चीज़ें उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से उनको दी जाएगी। और इसके अलावा जितना भी है मतदान करने वाले सभी लोग उनको ग्लव्स की भी व्यवस्था रहेगी। और भी इसके अलावा सारी गाइडलाइन है ट्रेनिंग के टाइम पे किस किस तरह से कोविड को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें करना है। ये सारा आयोग के गाइडलाइन है, कल वीसी के माध्यम से भी हम लोगों को निर्देश मिले हैं। तो उन सबका पालन कराने के लिए चुनाव में कितने बूथ बढ़ाए गए? देखिए, टोटल बूथ 558 है और 1000 वोटर्स की लिमिट है हर एक बूथ पर। उसकी दृष्टिगत रखते हुए कुछ नए बूथ बने हैं और वहाँ वो उसी बिल्डिंग में है और ये सारा चीज़ें आयोग को अवगत करा दिया गया है और उसी हिसाब से हम लोगों को इलेक्शन कराना है।